ऐसी सिखलाई मैंने आम तौर पे फौज में भी नहीं देखी है। इतना जोर से फायर आया हमारे ऊपर कि तकरीबन पौने 200 से 200 आदमी गिरे हुए थे और वाटर टैंक के ऊपर से बहुत ही भारी फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर खुला। इस रोशनदान दे विचों किस तरह साडे उत्ते फायर आ रहा सीगा असि तुहानू इसका हुणे एक नमूना दिखांदे हां। बार थोड़ी जी बैरल जिस तरह तुसी हुण देख रहे हो निकली हुई सी अते लगातार सीधा पूरी परिक्रमा दे इलाके दे विच फायर कर रही सी। इत्थे दो सिख नौजवानां ने बहादुरी नाल लड़दियां सैकड़े फौजी मौत दे घाट उतार दिते। बड़े खूबी दे नाल कवर हो रहा सी ते इस जगह दे विच साडे बहुत ज्यादा जवान शहीद होए। जिहड़ा मैन होल तुसी देख रहे हो इस दे विच एक आदमी बैठा होया सी ते ओ अपने हत्थां दे नाल इस इलाके दे विच ग्रेनेड सुट्टी जा रहा सी। सिखा की बहादुरी की कहानी एक होर फौजी दे जबानी। उनके लोग हैं बल्कि मेरे नीचे सिख ट्रूप्स और बाकी हिंदू मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के साथ एक मुलेजिली पलटन के हिस्सा। तो इस किस्म के टास्क को पूरा करने के लिए एक बार मेरा दिल भर आया कि अगर दुश्मन के खिलाफ होता एक बैटल फील्ड में तो ज्यादा अच्छा होता, मगर एक फौज के अधिकारी के कर्तव्य को समझते हुए जब मेरी पलटन की इज्जत पे बन गई और मुझे ये टास्क दे दिया गया कि एक विंग में से गोल्डन टेंपल के मैं इन विद्रोहियों को उनके हथियारों के साथ हटा दूं, तो मेरे सब कम्युनिटीज सब धर्मों के जवानों ने हाथ खड़े करके इस टास्क को पूरा करने की शपथ खाई। और जब मैं इस गेट में सिक्योर करने के लिए घुसा तो मेरे जवानों के पैर में चोटें घुसते ही लग गईं और जब मैंने देखा थोड़ी देर बाद अंधेरे में पता चला कि फायर तहखानों से और नीचे से ऊपर मेरे जवानों को मारने के लिए आ रहा है। ऐसी सिखलाई मैंने आमतौर पर फौज में भी नहीं देखी है। सरकार वालों इतने हथियार इतने सोर्स वर्तन दे ते नवीन हथियार होने के बावजूद भी सिख सूरबीरता नाल लगातार हुण तक लड़ते रहे हैं अते भारतीय सरकार नूं वक्त पिया होया है। तकरीबन हर 5-7 गज के उपर दीवार दे विच किधरे लूप होल ते किधरे पक्के बंकर सैंड बैगन नाल बना के रखे हुए सी। घंटा घर तो जलियांवाला बाग नूं जाण वाली सड़क इस तरीके नाल कवर कीती हुई सी कि उस दा चप्पा चप्पा फायर दे नाल कवर हो रहा सी। कोई भी आदमी बिना इफेक्टिव फायर दे हेठां आए बगैर सड़क नूं पार नहीं सी कर सकदा। इस दी दूसरी तीसरी ते आखरी मंजिल बंकरां दे नाल सब जगह ते बंकर बनाए हुए सी ते सब जगह तों अंधा तुंद फायर पै रहा सी। जदों दिन दे विच सानूं पता लगा कि उन्हां दा फायर इन्हां इन्हां जगह तों आ रहा है ते फिर असीं इन्हां नूं एक एक करके टैकल कीता। दोहां रोशनदानां विचों दो लड़ाके सिंघां ने 500-600 फौजी जवान पौड़ियां चों उतरदे ही मार दित्ते। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੀੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜੇ ਫਾਇਰ ਆਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੁਰਾਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। जलियांवाले बाग तो घंटा घर तक इन्हां सुराखां राही सिंघां ने हजारां फौजी मौत दे घाट उतार दित्ते। परमा दे विच दाखल होण तो बाद जदों असीं अगे वधे तां सानूं इत्थे बहुत ज्यादा फायर आया। तुसीं अपने सामने देख रहे हो ओह जिहड़ा दरवाजा है ओहदे नाल ही इक रोशनदान भी है। उस रोशनदान दे विचों बहुत ही फायर आया जिस नाल साडा इत्थों अगे वधना मुश्किल हो गया। नाल ही नाल जिहड़े तुसीं सज्जे खब्बे दरवाजे ते खिड़कियां देख रहे हो इन्हां दे विचों भी फायर आई जा रहा सीगा।
सामने जिहड़ी तुहानूं इट्टां वाली बिल्डिंग नजर आ रही है जिथे दरवाजे दे विच लाल झंडा भी लगा होया है, उस जगह तो बहुत ही ज्यादा कारगर फायर साडे उपर आया। इत्थे साडे बहुत सारे जवान जख्मी होए ते कई शहीद हो गए। इत्थे फौजी लाशां ही लाशां पईआं सन। Which have the Chinese markings all over the place, and the we feel that we've got these must have been from across the country. Tin box, many under. Colonel Fernandez, you have a rare assortment of captured weapons here. Would you like to describe some of this for us? Yeah, I'd like to tell you, we've captured all types of weapons, starting off from automatics, semi-automatics, single shots, weapons, assorted weapons, which were of foreign origin, weapons which were held by our neighboring countries, and also some of our own weapons, which have been probably picked up by some of these boys some time ago. Now I'd like to tell you that some of the weapons which I've recovered are the, first of all, the AK-47. That has got a Chinese marking here, and these are deadly weapons. This weapon is full proof. There are hardly any stoppages and have a very high rate of fire. What's the rate of fire? Well, this moment I can tell you that they fired a magazine of about 30 rounds in practically less than about half a minute or so. I think that was deadly it was. Then they did have a silencer Sten. I think this is where they did most of their pooping off of the individuals whenever they felt like doing it. We've got a anti-tank weapon, and this is an RPG type. It hasn't got the markings are not there very clearly. But guess which country? It again seems to be both Chinese, because this was some of the weapons which were there earlier. But it has its shoulder fired, and it has a smooth bore. It's an anti-tank weapon. Weapons for the snipers, with telescopic sights, that it pick us up anytime we felt like picking us up. Then there were the automatics, these light machine guns, plenty of them. Well, here are only some of them we've recovered, and we're still recovering. We're in the process of recovering practically at one of these rooms per day. Now, how do you think they got here? Do they come via Pakistan, these Chinese rifles? They definitely seem to be being some gun running somewhere, because we've got information that there were some guys who used to get across these weapons and keep bringing it out here. But the way they've got these consignments, my God, they must have got them in some big way or the other. I'd like to show you something more interesting, is these hand grenades, homemade hand grenades which they made. They were deadly weapons. I'll just show you some of them. And these weapons were ordinary, the machine which they use for threshing. Yes. They sort of wound around some plastic explosives, had a detonator, and they just threw it. And this was far more devastating than our 36 hand grenade. What distance could that be thrown? Well, it could be thrown the same distance if it was say 30 yards or so, but still, I say those things caused maximum casualties. They kept on getting out of the manhole, throwing those things and getting down and back, and that's what happened, I think. And then that's the crudest bomb. Then they literally went to the extent of manufacturing grenades. I'll show you some of the manufacturing. I mean, we've got them in the process of the manufacturing thing. We've got them in the first mold, the second mold, and the final finished product. They're crude. Then remember I showed you the training grenade when we were coming across. That was one thing which was there. Then they had, to some extent, they had plenty of explosives. They had detonators with various time fuses. From 2 seconds to 4 seconds and 7 seconds. But were all these weapons produced within the complex or outside? तो ये तो हमें नहीं मालूम technical तरीके से कि ये कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन हमने तो इसको सिर्फ पकड़ा है. और जब हम इसके अंदर हमको इसको इस रूम को क्लियर करना था, उस टाइम ये अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से लॉक हो रखा था. हमने इसको तोड़ा है दरवाजे को. ये जो यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है ये 1/4 है.
जो 3/4 सामान है वो हम ऑलरेडी भिजवा चुके हैं, जहाँ की हमने अपने आर्म्स डिपॉजिट किए हैं। ये ग्रेनेड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है, बल्कि यहाँ दूसरे किस्म के हथियार भी बनते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये LMG के ब्रीच ब्लॉक। अच्छा, ये LMG के ब्रीच ब्लॉक भी यहीं बनाते हैं? यहीं बनाते हैं। अच्छा, जरा दिखाइए उनको। इसके अलावा ये पिस्टल, ये देखिए क्रूट फॉर्म है इसकी, ये भी यहीं बनाए जाते हैं। इस तरह की हमने 20-25 पिस्टल्स डिपॉजिट भी कर दी हैं। इसके अलावा राइफल्स, 12-bore राइफल्स, कुछ तो फॉर्मेटिव स्टेज में थी, वो भी हमने डिपॉजिट कर दी है। ये अकाल तख्त के पीछे का कुआं है, जिसमें से अभी तक हमको बहुत सारे वेपन्स, सोना, करेंसी और बहुत सारी इक्विपमेंट भी जो है बरामद हो चुकी है। पहले हमारी एक इन्फेंट्री बटालियन थी, उन्होंने इस कुएं के अंदर से वो खूंटी लगा के सामान निकाला था। देशों में बने हुए आधुनिक हथियार आए कैसे? इनमें से अनेक हथियार ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मुजाहिदीन द्वारा अफगानिस्तान के विरुद्ध इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो मीडियम मशीन गन्स पकड़ी गई हैं, वे इतनी शक्तिशाली हैं कि 800 मीटर तक मार कर सकती हैं और एक मिनट में 800 गोले बरसा सकती हैं।